साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डकैती डालने की योजना बनाते समय पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले आधा दर्जन बदमाशों ने गिरफ्त में आते ही जिले की छह बड़ी चोरियों का राज खोल दिया। इनसे एक 315 बोर की बंदूक सहित माल मशरू का बरामद हुआ है। केलारस पुलिस ने इन बदमाशों के विरुद्ध हत्या के प्रयास तथा डकैती डालने की योजना बनाने का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ दिवस पूर्व केलारस थाना क्षेत्र के जोरा रोड पर गुरुकृपा ढाबे के पीछे संदिग्ध हथियारबंद बदमाशों के इकट्ठा होने की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर बदमाशों को ललकारा। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई। अंधेरे का लाभ उठाकर भागे बदमाशों में से पुलिस ने एक को पकड़ने में सफलता पाई। पूछताछ के दौरान अन्य बदमाशों व चोरी की घटनाओं का पता चलने पर लगातार दी गई दबिश में पांच बदमाश गिरफ्त में आ गए हैं। आधा दर्जन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार करते हुए माल मशरू का भी बरामद करा दिया गया है। पुलिस इनसे और घटनाओं के विषय में जानकारी ले रही है। क्या मामले में लोगों की गिरफ्तारी है, प्रगति में अपराधों को ये संज्ञान लेते हैं। 12 नवंबर की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर कुछ बदमाश इकट्ठे होकर किलाड़ा थाना क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम देने की मंशा से इकट्ठे हुए। पुलिस पार्टी ने जब उनके ऊपर दबिश दी तो वहाँ पे अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग भागने में सफल हो गए थे, बट एक व्यक्ति उनमें से पकड़ लिया गया। जब उस व्यक्ति का पुलिस रिमांड लिया गया, फर्दर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसकी तलाश पूरी सरगर्मी से कर रही थी। और पुलिस को कैलाश पुलिस और द्वारा पुलिस सभी का संयुक्त रूप से प्रयास था, जिसमें कि कल सफलता मिली पुलिस को अन्य पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा, क्योंकि उस दिन भी जब इकट्ठे हुए थे कैलाश में किसी न किसी घटना को अंजाम देने से इकट्ठे हुए थे, तो हमारे पूर्व में जो कैलाश में जो घटनाएं हुई उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा अभी तक जो डोंगरपुर रोड पर कैलाश में जो पुरुषोत्तम ढाकर जी के यहाँ पे जो चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कि सभी को बाहर से कमरे में बंद कर दिया गया था और एक कमरे में घटना को अंजाम दिया गया था, उसको कबूला, उसका जो कुल टोटल मशरू का था करीब 4 लाख का, उसको भी बरामद कर लिया गया। इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरियों में इनका संलिप्त होने की पूरी संभावना है, जिसमें कुछ अपराध जो कुछ जगहों के जहाँ पे चोरी किए हैं उसका हमने प्रेस में उल्लेख किया है। साथ ही साथ इन लोगों से जो जैतपुर में जो चोरी हुई थी राइफल, वो भी इन लोगों से इनकी निशानदेही पे जब्त की गई है। तो वो एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि एक जो लाइसेंसी हथियार है वो चोरी किया था वो वापस रिकवर कर लिया गया। इसी दौरान इनसे फर्दर और भी जो एक कैलारस में डकैती की बड़ी घटना हुई थी उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इन लोगों से जो हमने मशरू का इन लोगों से पूरा पूछताछ करी, तो जितनी भी चोरी की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है उससे इसमें एक आरोपी ने तो अपने लिए एक अभी हाल ही में एक नई गाड़ी भी खरीदी, जिसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर उसको भी जो चोरी की घटनाओं से जो प्रोसीड है उसमें उसको दर्शाएगी, ताकि न्यायालय न्यायिक निराकरण हो सके। सर, कितने हथियार पकड़े गए इन लोगों से, कितने आरोपी अभी तक? इनसे 3 अभी तक अवैध हथियार पकड़े गए हैं और एक इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा राइफल जो है वो जब्त की गई है, लाइसेंसी राइफल।